भद्र की, जहां छत्तीसगढ़ सीमा से सटे गांव में हाथियों का उत्पात दिन भर दिन बढ़ता ही जा रहा है। जी हां, हाथियों ने डुमरहर गांव में एक युवक को अरहर के खेत में कुचलकर मार डाला। वहीं दो लोग घायल हो गए। युवक के मौत के बाद सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने वन विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उसी गाँव में एक युवक ने कुएं में कूद कर अपनी जान बचाई। बगल के गाँव में हाथियों ने एक घर को घंटों घेर कर रखा। हालांकि सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। 18 दिन से छत्तीसगढ़ की सीमा से सटे गांव में हाथियों का उत्पात है। कभी इस गांव में तो कभी उस गांव में फसलों को बर्बाद करते रहते हैं। कई घरों को महुए के चक्कर में क्षतिग्रस्त कर चुके हैं। डुमरहर, करमघट्टी तथा रंपाकुरुर गांव में इनका उत्पात जारी है। रविवार की शाम को डुमरहर गाँव में हाथियों का झुंड आ गया। ग्रामीण खदेड़ रहे थे, इसी दौरान राजेंद्र गोंड को हाथियों ने दौड़ा लिया। बात के समय अरहर के खेत में राजेंद्र गिर गए और हाथियों ने वहीं पर कुचलकर मार डाला। इसके साथ ही रामदास तथा इस्माइल घायल हो गए। गांव में ग्रामीणों की सूचना पर रात में ही डीएफओ रेणुकूट, एमपी सिंह, एसडीओ मनमोहन मिश्रा, कुंज मोहन वर्मा, वन क्षेत्राधिकारी पीपरी वी के पांडे भवनी, वन विभाग की टीम के अलावा प्रभारी निरीक्षक अविनाश चंद्र सिन्हा आदि पहुंच गए। पुलिस तथा वन विभाग की टीम ने किसी तरह से ग्रामीणों की मदद से आग जलाकर पटाखा फोड़कर हाथियों को जंगल की ओर भगाया। हाथियों का झुंड कभी भी गांव में घुसकर नुकसान पहुंचा सकता है। डुमरहर के टोला सरहीहाड़ निवासी रामदास बेगा भी हाथियों की चपेट में आने से बच गए। बताया जा रहा है कि वह भागते समय महीपत के कुएं में कूद गए। भला हुआ कि ज्यादा चोट नहीं लगी। ग्रामीणों की माने तो छत्तीसगढ़ की सीमा से सटे भवनी ब्लॉक के गाँव में हाथियों का उत्पात एक पखवारे से है। करीब 5 किलोमीटर के दायरे में हाथी आए दिन फसलों, घरों को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। क्षेत्र के शीश टोला, नवा टोला, करमघट्टी, रंपाकुरर, मगरमान, ढुमरह, महुआ, आहोदर, सेमरिया, सतबहनी सहित छत्तीसगढ़ के केसारी, गिरवानी में रोकर ढा दिया। 50 से अधिक किसानों के फसल को नुकसान पहुंचाया गया है। जिला पंचायत सदस्य देव नारायण सिंह खरवाड़ ने एसडीओ से कहा कि हाथियों द्वारा लगातार उत्पात किया जा रहा है, विभाग द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। अगर इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति होती है तो हम सभी ग्रामीण आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। भरत सिंह, क्या समस्या है? समस्या सर, ये पूरा हाथी परेशान किया है। कितना हाथी आया है? 22 हाथी है। कैसा कैसा परेशानी आप लोग को हो रही है? वो हाथी घर में घुस रहा है और इधर में एक घर में छेक लिया था पूरा। रात में गया हम लोग बत्ती जला कर, तो वो घर को छोड़ के भगा। उसे भगाने के लिए वन विभाग लगी है कि नहीं लगी है? लगी है। कल नाइट में आया था, इधर छत्तीसगढ़ का फोरस आया था एक गाड़ी, और इधर का वो फॉरेस्ट गार्ड था, वो क्या बोलता है सर, रेंजो डेफो तक आया था रात में। पूरा 2200 हाथी यहाँ को वहाँ तक एकदम पूरा साउंड कर रहा था। तो आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं रात के समय? रात में सब लोग हम लोग एक जगह हो जाते हैं इकट्ठा आग जलाकर। 150-200 आदमी रहते हैं, कोटेक दुकान सामने है, उसी जगह रहते हैं। किसी का मौत भी हो गया क्या हाथी से? आज डुमरहर में हो गया है आदमी का। 3 आदमी की इधर मौत होने था, लेकिन वो लोग बच गए। 3 आदमी दौड़ा था घर के बीच में, 3 आदमी फट गया, बाकी उधर से हाँक रहे थे तो वो बच गया, नहीं तो अभी 3 आदमी खत्म था नाइट में। एक आदमी की मौत हुई है? हाँ, एक आदमी। फोर्स मंगाना चाहिए, उनका छावनी बनाना चाहिए। हरदम हम जो है उनके ऊपर वो करते रहे, लेकिन उनको उनके ऊपर कोई असर नहीं आया। बस वो आते थे रोड से घूम करके अपना चले जाते थे। रोड पे घूमने से काम नहीं चलेगा जी। उनको यहाँ बैठ करके छावनी बनाना पड़ेगा। छावनी रखे, छावनी फोर्स रखे, ताकि इस तरह की व्यवस्था हो सके जो यहाँ के। तो रात में घटना जिस समय हुई, तो यहाँ पर वन विभाग के कर्मचारी या अधिकारी कोई मौजूद नहीं थे? कोई नहीं था। एक फॉरेस्ट विभाग के ऑफिस भी पड़ा हुआ है बगल में, उसमें भी कोई अधिकारी नहीं मौजूद थे जी। तो इस तरह से लापरवाही कोई बर्दाश्त नहीं करेगा ना जी। जी, और कहते नहीं यार डेफो घूम रहे, रेंजर घूम रहे, रोड पे घूम रहे, तो उससे क्या फर्क पड़ता है जब यहाँ कोई साउंड का व्यवस्था नहीं है हाथियों भगाने के लिए? नहीं कोई व्यवस्था है। रोड रोड गाड़ी में बैठे बैठे आ रहे हैं, रोड रोड गाड़ी में बैठे बैठे चले जा रहे हैं, उससे क्या प्रभाव पड़ता है? उस तरह से पब्लिक भी, जनता भी चल रही है, उससे क्या प्रभाव पड़ता है भाई? उसके लिए छावनी रखे, फिर हाथियों को जंगल में घुसने का काम, घुस करके उनको भगाने का काम करें है? जी, कोई बेहोश करने वाले इंजेक्शन वगैरह रखें, या उनको यहाँ से किसी साधन व्यवस्था से उनको बेहोश करके हटवाया जाए, दूर हटवाया जाए, जो किस तरह से ना हो, नहीं तो उनके लिए वन विभाग की पूरी लापरवाही देखी जाए। पूरी लापरवाही है जी, वन विभाग का पूरी लापरवाही है, लापरवाही ना होती। इस बात को लेकर प्रशासन काफी सहयोग में रहा है? प्रशासन रही है सहयोग में।
जी, प्रशासन तो काफी सहयोग में रहा है जी, विकास ये अविनाश सिन्हा जी हैं जी, वो काफी बेचारे सहयोग में रहे जी, लेकिन हम कहते हैं प्रशासन का वो नहीं बनता है जी जी, यहाँ तो रेंज ऑफिस फॉरेस्ट विभाग का बनता है जी, कि वो ज्यादा से ज्यादा अपनी फोर्स लेकर के यहाँ पर, और अभी वन विभाग के अधिकारी आए और अधिकारियों के द्वारा कहा गया, हमारे इंस्पेक्टर साहब जो हैं इनका हाँ, कहना था कि उचित मुआवजा दिया जाए, अभी इनसे वार्ता हो रही थी मेरी जी, ये जी, कह रहे थे कि नहीं हम वन विभाग जो है हम लोग भगा रहे हैं हाथियों को जी, भगाते हैं छत्तीसगढ़ चली जाती फिर आ जाते, कैसे भगाते हैं, क्या ये रोड पे घूम के भगा लेते हैं जी, जो क्या हाथी तक ये अपनी परसों दिन की दिखा दे जी, परसों दिन की घटना है, भगाते हुए इनका कोई फोटो हो जी, एक परसों दिन की घटना है, छत्तीसगढ़ में एक टीचर को हाथी ने कुचल दिया हाँ। और वहाँ की वन विभाग काफी सक्रियता से वहाँ से हाथियों को भगा दिया हाँ। फिर वो हमारे यूपी में आ गई, तो यहाँ के लोगों का कहना है कि हाथियाँ कुछ बच्चे दी हैं जिसके हाँ। वजह से वन छोड़ना नहीं चाहती है, वन क्षेत्र छोड़ना नहीं चाहती है, छोड़ती है तो हम कहते हैं कि उनके लिए तो भगाने की व्यवस्था करें ना जी, क्रेन तार वगैरह बिछाने काम करें या साउंड वगैरह का इंतजाम करें या उनको बेहोश करने वाला जो इंजेक्शन होता है उसका व्यवस्था करें और बाहर से फोर्स मंगाने काम करें, यहाँ छावनी बना करके रहना के रहने का काम करें जी। क्या नाम है आपका? रंसा। कहाँ के रहने वाले हैं? सीस्टोला। अच्छा। उत्तर प्रदेश। तो ये घर आपका गिरा है? कैसे गिरा? हाथी तोड़ दिया। हाथी तोड़ दी? हाथी जब आती है तो आप लोग कहाँ रहते हैं? अरे भाग जाते हैं, एक किलोमीटर दूर। अच्छा, एक किलोमीटर दूर रहते हैं। अच्छा, कितने बजे लगभग आती हैं? अरे वो चलता है सुना, वो चलता है 5-6 बजे और 10 बजे 11 बजे हिल जाता पूरा घर। अभी हाथी कहाँ होंगी इतने टाइम? अरे यही जंगल में ही है, खाली पूरा फरस लोग आल रहे, बम फोड़न कहीं कोई के घर में, घर में कोई अनाज वनाज भी नुकसान की है? अनाज नहीं देखा है, का बुनत बट है। अच्छा, 10 क्विंटल ले कम ना मकई खाए हूँ, 10 क्विंटल यहाँ वहाँ करके हाँ, और धान एक भरा पूरा हाँ, देख लो ठीक जाके। तो फिर आप लोग क्या चाहते हैं? क्या चाहेंगे? आर्थिक मदद, मतलब कि सरकार कुछ देगा, मुआवजा बोला देगा तब ना, मीडिया हमें बोलवा तब ना, पूरा उछाल मर ही एकदम। वही नाम है आपका? क्या नाम है? कहाँ के रहने वाली हैं? ग्राम सिस्टोला। गांव का नाम क्या है? गांव का नाम क्या है? ग्राम सिस्टोला। सिस्टोला। तो ये घर कैसे गिरा? हाथी गिराई है? जोर से। कब गिराई थी? शाम को, कल 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 रात 1-2 बजे तक। अच्छा, रात में 2 बजे। अच्छा, तो आप क्या कहना चाहती हैं फिर? इसमें सरकार कुछ हमको सहयोग करेगा, इतना अच्छा। खेती हमको आर्थिक मदद खा लिया, खेती भी नुकसान की है? ये इतना खेती हुई, कौन कौन सी फसल नुकसान की है? कौन कौन सी फसल? बजड़ा, बजड़ा और एक टुका मकई था, वो हमारा भतीज का खाया है। अच्छा, और घरों उसका भी उजर गया है। अच्छा, गिर गया है। बाबूलाल, क्या समस्या है? ये हाथी आया था तो पूरा सब ये नस्कान कर दिया घर दूरा, फिर टीमू बजाने लगे तो फिर उधर चले गए जंगल में। कब का बात है ये? रात को, आज आज रात में हाँ। पंचायत के मगरमार टोले में है, आपको बता दे कि कल रात में करीब 20 का संख्या में हाथी आई थी और एक आदमी को रौंद दिया था जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई थी। आज हम लोग पड़ताल करने निकले हाथियों का, तो पता चला कि भवर गांव के मगरमार टोले में 20 के संख्या में हाथी पार हुए हैं। आप देख सकते हैं बड़े बड़े उनके पैर का निशान आपको साफ साफ दिख रहा है, और ग्रामीण यहाँ के बताते हैं कि इसी रास्ते से पार हुए हैं। हम कुछ ग्रामीण से बात करते हैं, पूछते हैं क्या स्थिति था रात में। आपका क्या नाम है? मंधारी। क्या रात में कैसे हाथी पार हुए थे? रात में इधर से पार हुए हैं, जो खाते पीते इधर से पार हुए, जंगल में घुस गए। कितना संख्या था हाथियों का? वो लगभग 20 का लमसम था। रात में आप लोग बचने के लिए क्या क्या करते? बचने हैं? के लिए बहुत मैंने कोशिश किया, एकदम बहुत परिश्रम किया, लेकिन वही हिसाब से धीरे से बच गए। अपने परिवार को अपने सुरक्षित रखने के लिए आप लोग क्या करते हैं रात में?
भाई वही हिसाब से थोड़ा ये कदम उधर भग गए माने तो ये गांव में भग गए तो वही हिसाब से हम बचे परिवार घर... परिवार भी बच गए तो अपना घर आप लोग छोड़ के भाग जाते हैं क्या? छोड़ के थोड़ा सा भाग जाते हैं कैसे करें तो भाई डर होता है वही हिसाब से बहुत आप देख सकते हैं कि किस प्रकार ग्रामीण हाथियों के डर से एकदम डराए हुए हैं सहमे हुए हैं और वन विभाग लगातार गश्त बनाई है लेकिन वन विभाग लगभग हाथियों को भगाने में नाकाम है। हालांकि वन विभाग द्वारा हाथी के पीछे टीम लगाई गई है लेकिन हाथी कभी इधर मगड़मार आ जा रहे हैं तो कभी रंपा कुलर आ जा रहे हैं तो कभी छत्तीसगढ़ भाग के चले जा रहे हैं फिर वापस आ जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश आना जाना हाथियों का लगा हुआ है। सोनभद्र से समाचार एक्सप्रेस पंकज सिंह मंधारी क्या समस्या है? हमारा ये धान कोदो मेरो मिझरी मक्का खा गए। कौन खा गया? वो हाथी। कब आया था हाथी? हाथी आज रात के माने कल रात के आया था। ठीक किधर भागे सब भाई? इधर दक्षिण तरफ माने भाग गए वो लोग। क्या किए रात में तुम्हारे यहाँ पर आया सर? रात में हमारा जो है कि बहुत क्षति किया वो भाई धान कोदो मेड़ो और ये सब खा गए। खाने के बाद जो है कि इधर दक्षिण तरफ भाग गए वो लोग। इसका सूचना किसको किसको दिए भाई? गांव घर मैंने देखे वही हिसाब से दूर तो नहीं अभी सूचना गया था लेकिन गांव घर देखे संगल भाई जी। ये घटना जो हुई है कितने बजे रात की है? ये 2 बजे रात की घटना है सर। तो क्या हुआ है? इसमें 20-21 हाथियों का झुंड चिंगाड़ मारते हुए रंपा कुला की तरफ से डुमरहर की ओर प्रस्थान किए। 6 बजे से लेकर 12 बजे तक रंपा कुला रहे। 12 बजे के बाद 2 बजे डुमरहर की ओर प्रस्थान किए। प्रस्थान करते समय तमाम चिंगाड़ की आवाज निकालते हुए जनता को जिस तरीके पाया या घर मकान को चौपट करते हुए यहाँ फसलों को भी चौपट कर दिए। लगभग 15-16 बीघा की फसलों का भी नुकसान पहुंचाया है। अच्छा कौन कौन सी फसलें हैं? धान है, अरहर है, बजड़ा है, कोदो है। अच्छा तो ये बताइए कि ये जो वन विभाग की टीम के लिए आप लोग क्या कहना चाहेंगे? वन विभाग की टीम को हम लोग 2 दिन पहले से इन्फॉर्मेशन पर करते रहे DFO साहब और रेंजर साहब को। कल रात को रेंजर DFO साहब और 5 रेंज के अधिकारी भी आए लेकिन वो लोग आवाज़ सुनकर के ही किनारे खसक लिए। इसके बाद ग्रामीणों के मदद से रंपा कुरर से निकालते हुए रोड के तरफ भगाया गया। इसके बाद वो डुमरहर की ओर प्रस्थान किए और डुमरहर की ओर आए और उनकी 22 की संख्या में झुंड है सर और हादसा का अंजाम दिया जिसमें एक आदमी मृत हो गया। अच्छा तो अभी वन विभाग की टीम से आप क्या मांग किए? वन विभाग की टीम से सुरक्षा व्यवस्था की मांग की गई है। ग्रामीणों को पूरी व्यवस्था मिले और जो फसल की क्षतिपूर्ति है ये उनका फसल की क्षतिपूर्ति दिया जाए और मृत परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।